खुद के अपहरण और बंधक बनाने की फर्जी कहानी रचकर अपने ही पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड करने वाली कोचिंग छात्रा और उनके साथी को पुलिस ने दस्तयाब करने में सफलता हासिल कर ली है। छात्रा ने YouTube देखकर खुद के अपहरण और अपने पिता से फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम देने की कहानी रची। कोटा में एडमिशन नहीं होने के बाद छात्रा से विदेश से MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती की कहानी रची। करीब 16 दिनों से छात्रा को दस्तयाब करना दो राज्यों की पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। पुलिस छात्र और उसके परिजनों के द्वारा रचित फर्जी फिरौती और अपहरण कांड से दो राज्यों की पुलिस की नींदों को उड़ाकर रखा हुआ था। छात्रा के दस्तयाब के बाद अब दो राज्यों की पुलिस की ही नहीं बल्कि परिजनों ने भी अब राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की छात्रा को इंदौर पुलिस ने इंदौर से दस्तयाब कर लिया है। छात्रा काव्या धाकड़ दो दिन पहले ही अपने युवक मित्र के साथ कमरा किराए पर यहां पर लेकर रह रही थी। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली। क्राइम ब्रांच की टीम ने छात्रा और उसके मित्र को दस्तयाब कर लिया। फिलहाल छात्रा विज्ञान नगर थाना पुलिस की हिरासत में है। बच्ची है ये, कुछ अच्छा पढ़ाई में कर नहीं पा रही थी और ये फॉरेन जाना चाह रही थी, इस वजह से इसने अपने माता पिता से फिरौती मांगने की खुद ही पूरी जो ये प्लानिंग की थी। बच्चों को इंदौर में ही दस्तयाब किया गया, तुरंत टीम रवाना कर कर आज उनको कोटा लाया गया है और उनसे पूरी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। सोचा कि ये बाहर जाकर, इसे सर्च किया ऑनलाइन, इसे लगा कि रशिया में MBBS हो जाती है और रशिया में MBBS के लिए इतना जो है पैसा लगता है, तो बाहर जाके ये MBBS कर लेगी और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स को बता देगी, लेकिन पैसों का इंतज़ाम कैसे हो। उसको ये एक YouTube ये देखती थी, तो YouTube में एक वीडियो के माध्यम से इसको ये आइडिया मिला कि इस तरह फिरौती का, एक अपहरण का और फिरौती का एक प्लान करके और अपने खुद के माता पिता से ये 30 लाख रुपए लेकर फॉरेन में जाके रशिया में एडमिशन लेकर MBBS में और फिर अपने माता पिता को ये सूचित।